Mitochondria is the powerhouse of the cell. 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 अरे यार क्या था, बार बार भूल रहा हूँ. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Mitochondria is the powerhouse of the cell. इतनी देर हो गई याद करते करते, अब जाकर याद हुई इतनी सी लाइन. इतनी सी देर में कैसे खत्म होंगे यार, ये तो बहुत सारे पेजेस हैं और एग्जाम भी बहुत पास आ गए हैं. ये तो नहीं हो पाएंगे ऐसे खत्म. अगर ऐसे सारे नोट्स रिवाइज करते रहा तो नहीं होगा. 15 मिनट हो गए हैं, एक लाइन याद हुई है. इससे अच्छा है लेक्चर देख लेते हो, लेक्चर से ही कुछ हो पाएगा. लेक्चर ही स्टार्ट कर लेते और उसके अगले लेक्चर में हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स सीखने वाले हैं. ठीक है, आई होप आज का लेक्चर सारे बच्चों को पसंद आया. जल्दी से लेक्चर खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया सोते सोते. यार ये लेक्चर पूरा खत्म हो गया, टाइम कितना बचा है, टाइम भी बहुत कम बचा है. तो अब तो ये पूरा का पूरा लेक्चर वापस से 2x पे देखना पड़ेगा. 2x के बिना तो नहीं हो पाएगा, 2x पे ही चलाता हूँ. और तो 2x है. अच्छा 1 घंटे में हो जाएगा लेक्चर. चलो थोड़ी देर फोन भी देख ही लेता हूँ, लेक्चर भी चलता रहेगा, थोड़ा सा फोन भी चला ही लेता हूँ थोड़ी सी देर. ये लोग कहाँ घूमने गए यार, ऐसे कैसे होगा. आज का पूरा दिन खराब कर दिया, कल भी यही करा था, परसों भी यही करा था. रोज सोचता हूँ आज से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, नहीं हो पा रहा है मुझसे. कोई समझाने वाला भी नहीं है कि गलती कहाँ कर रहा हूँ. पढ़ने बैठता हूँ तो ये इतनी मोटी नोटबुक देख के डर लगता है, समझ नहीं आता इसमें क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं. ये लेक्चर देखने बैठता हूँ तो 1x पे बोरिंग लगता है, नींद आने लगती है. और 2x पे देखता हूँ तो चीजें समझ नहीं आती. टीचर सब अच्छे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, बट मैं पढ़ूं कैसे. आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा. आखिर क्या वजह है यार? अबे क्या प्रॉब्लम चल रही है? अरे प्रशांत भैया आप यहाँ पर, अच्छा आ ही गए हो तो अब ये बता दो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ. समझ नहीं आ रहा भैया, सबसे पूछता हूँ कोई बता ही नहीं पा रहा है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ. मैं सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड ना होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट समझ नहीं आ रहा मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैं चीजों को समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं चीजों को याद क्यों नहीं कर पा रहा. देख यार ये जो तेरी प्रॉब्लम है ना वो बहुत नॉर्मल है और सबके साथ वाली प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम का नाम है स्लो रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीड? रीडिंग स्पीड से किसको फर्क पड़ता है? लर्निंग स्पीड बोलते तो मानता, बट रीडिंग स्पीड उससे क्या फर्क पड़ता है? समझाता हूँ समझाता हूँ. तूने वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? हाँ भैया वो तो बचपन से सुनते आए हैं, बट उससे क्या? अरे उसी से सब कुछ है. चल तेरे को समझाता हूँ. तो हाय एवरीवन, देखो वो कहानी तो तुमने सुनी होगी कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, जिसमें कि खरगोश आगे जाकर थक जाता है और सो जाता है, और वो जो हमारा कछुआ था वो धीरे 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 चलकर उस रेस को जीत जाता है. सुनिए ना, बट अब 21वीं सदी में ये कहानी बदल चुकी है. अब कहानी के अंदर होता क्या है कि वो जो खरगोश था उसने देखा और सीखा कि अगर मैं रुका तो मैं हार जाऊंगा, और वो खरगोश अपनी गलतियों से सीखता है और अब रुकता नहीं है, फुल एफर्ट से भागता है और उस कछुए को बहुत लंबे डिस्टेंस से हरा देता है. समझ रहे हो बात को? यह है 21वीं सदी की कछुए और उस खरगोश की कहानी. यह हमें क्यों सुना रहे हो, हमारा क्या फायदा है इसमें? तो देखो अब तुम्हें उस खरगोश की तरह बनना होगा. अब तुम्हें धीरे धीरे चाल नहीं चलनी है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है. अब कंपटीशन इतना हाई हो चुका है मेरे दोस्तों कि अगर तुम रुके इसका मतलब है कि तुम हार जाओगे. अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें सीधा सीधा भागना है बिना रुके, वो भी फुल स्पीड से. और रुकना कब है? जब तुम अपनी फाइनल ड्रीम फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव कर लो. अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT JEE UPSC नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड, रुकना नहीं है, थमना नहीं है. अब कछुआ नहीं बनना तुम्हें, अब तुम्हें बनना खरगोश. जितनी जान है उतनी जान लगा दो, और तब तक नहीं रुकना जब तक कि तुम अपने गोल को अचीव ना कर लो. भैया ये तो समझ आ गया, बट वो जो आपने बात बताई थी कि लर्निंग स्पीड रीडिंग स्पीड वो कम है, उसके बारे में समझ नहीं आया, उसको समझाता हूं. देख यार
जैसे कि मैंने तुझे अभी कहानी से समझाया कि तुम्हें अब खरगोश बनना पड़ेगा। अगर खरगोश बनना है तो तुम्हें अपनी लर्निंग और रीडिंग स्पीड को बहुत तेज करना होगा। 90% लोगों की लर्निंग और रीडिंग स्पीड बहुत कम है। वो जो 1% बच्चे हैं जो कि सेलेक्ट होते हैं IIT के अंदर, एम्स के अंदर, UPSC के अंदर, CAT के अंदर, वो 1% बच्चों की 90% चांस है कि उनकी जो रीडिंग स्पीड थी, उनकी जो लर्निंग स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। अब भी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या है तुम्हारे साथ होता है कि बहुत बार तुम एक लाइन पढ़ रहे हो, मान लो ये लाइन पढ़ रहे हो, लाइन पढ़ रहे हो, लाइन पढ़ रहे हो, और बहुत देर तक वही लाइन पढ़े जा रहे हो और तुम्हारे दिमाग के अंदर चीजें घुस नहीं पा रही हैं। या फिर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तुम एक लेक्चर देख रहे हो और उस लेक्चर में बोर होके उस लेक्चर में मतलब तुम्हें नींद आने लगती है या फिर अपना फोन चलाने लगते हो, या फिर तुम जब एक किताब पढ़ रहे होते हो, अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होते हो, तो तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही होती। केवल 10 पन्ने के नोट्स को रिवाइज करने के लिए क्या तुम 1 से 2 घंटे लगा रहे हो? अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि तुम्हारी वो जो रीडिंग पावर है, वो जो लर्निंग पावर है, वो बहुत कम है। अब ये बात करते हैं उनको इंक्रीज कैसे किया जाए, उसको अचानक से कैसे बढ़ाया जाए। तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसी के सोल्यूशंस देने वाला हूँ। बट उससे पहले एक चीज मैं समझा देता हूँ, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग पावर की, तो केवल रीड करना नहीं है कि एक बुक उठाई और उस बुक को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। नहीं, उसका मतलब है कि उस बुक को पढ़ो और उसके बारे में समझो, उसको पढ़ो और उसके बारे में समझो। और एक चीज याद रखना, अगर तुमने आज अपनी रीडिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब है जब तुम एग्जाम के अंदर बैठे होगे, तो जब तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे, तो भी तुम्हारी रीडिंग पावर तेज होगी और तुम ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ पाओगे। तो इसका मतलब है रीडिंग पावर, लर्निंग पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके सोल्यूशन बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 एंड वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक स्ट्रेटेजी, सबसे ज्यादा साइंटिफिक स्ट्रेटेजी, देखो साइंस ये बोलती है कि हमारे जो दिमाग की स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा है हमारे माउथ के स्पीड से। क्या बोल रहा हूँ, हमारे दिमाग की स्पीड बहुत ज्यादा है हमारे माउथ के स्पीड से। मतलब जब तुम किसी भी वर्ड को पढ़ते हो बोलकर, तो तुम्हारी स्पीड बहुत कम होती है, और जब तुम उस वर्ड को अपने दिमाग में पढ़ते हो तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अब देखो एक सेंटेंस ले लो, Ram has 2 apples। क्या है, Ram has 2 apples। अब एक बार इसको बोल के बोलो, Ram has 2 apples। अब इमेजिन करो ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और अब इसको अपने दिमाग में पढ़ो, Ram has 2 apples, बहुत जल्दी पढ़ पाओगे। हो रहा है, नहीं हो रहा सभी के साथ? क्यों? क्योंकि हमारी जो दिमाग की पावर है वो बहुत ज्यादा है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये बोलती है कि सबसे पहले वो जो बच्चे हैं ना, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं, बोल बोल के पढ़ेंगे, जब भी कुछ रीड कर रहे होंगे बोल बोल के रीड करेंगे, वो सबसे बेकार हैबिट है। मन में पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब तुम मन में पढ़ोगे तो तुम बहुत ज्यादा पढ़ पाओगे, जितना तुम बोल बोल के पढ़ सकते थे उससे कई ज्यादा तुम पढ़ पाओगे। अब देखो वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आदत लगी हुई है बोल बोल के पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होगी है। बट तुम ट्राई करना अगले 7 दिन तक। आज मैं तुम्हें 7 दिन का चैलेंज देके जाऊंगा, 7 दिन तक अगर तुमने सारी चीजें फॉलो कर ली, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी इस बार। और याद रखना, इन सारी चीजों को तुम्हें फॉलो करना है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ये थी हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 कि भाई दिमाग में पढ़ना है, बोल बोल के नहीं पढ़ना। और बोल बोल के पता है कब पढ़ना है? बोल बोल के जब पढ़ना है, जब तुम्हें आलस आ रहा हो, जब तुम्हें नींद आ रही हो, तो खड़े हो, किताब लो और बोल बोल के जोर जोर से बोलो। उससे क्या होगा, आपके थोड़े से मसल्स रिलैक्स होंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई होने लगेगा और आपकी जो नींद है वो भाग जाएगी। इसलिए बोलते हैं जब भी नींद आए चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, बट जब आप नॉर्मल स्टडीज कर रहे हो दिमाग में पढ़ो, ना कि बोल के पढ़ो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, फिंगर टिप टेक्निक। बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, ध्यान से देखना। करना क्या है, जब भी तुम कोई किताब पढ़ रहे हो या फिर अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तो इमेजिन करो उसके अंदर ऐसे 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 लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें या तो अपनी फिंगर टिप का यूज करना है या फिर तुम्हें इस पेन का यूज करना है और इसको साथ साथ में चलाते रहना है, ऐसे 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 ऐसे। जैसे जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो अपने फिंगर टिप को मूव करते रहो उसके साथ साथ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक टाइम पे बहुत सारी चीजें देख सकता है। देखो तुम आज क्या देख पा रहे हो, तुम्हारे सामने से आज फोन है, लैपटॉप है जिसमें तुम्हें वीडियो देख रहे हो, साइड में तुम्हारे पानी की बॉटल है, पेन है, बहुत सारी चीजें, तुम सब कुछ देख सकते हो। बट अगर तुमने फिंगर रखी, इमेजिन करो इस फिंगर को अपने फोन पे रखो, मुझ पे रखो, तो तुम्हारा सारा का सारा फोकस अब कहां पर आ जाएगा, मुझ पे आ जाएगा। ये है ट्रिक अपने फोकस को इंक्रीज करने की, अपने रीडिंग पावर को इंक्रीज करने की। जब भी रीड करोगे तो ऐसे 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 रीड करते रहोगे, इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और लर्निंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक के ऊपर। अगली टेक्निक है वॉरियर वाला माइंडसेट। ये क्या है भैया, देख यार इमेजिन कर, जब तू एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है और तेरा एग्जाम 3 घंटे का है, तो 3 घंटे में तेरा माइंड कितना फोकस होता है? क्या उस टाइम पर तुझे याद आता है कि भैया उसका मैसेज आया था, भैया वो हुआ था, भैया ये हुआ था? कुछ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हम फोकस्ड होते हैं कि मुझे एग्जाम लिखना है। अगर इमेजिन कर वो वाला फोकस अगर तेरे में डेली आ जाए तो तेरी रीडिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे ही पढ़ने लगते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं,
तो डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए तुम्हें सिंपल सी चीजें जो करना है वो है अकेले पढ़ो, ग्रुप में मत पढ़ो। क्योंकि जब तुम ग्रुप में पढ़ोगे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे और वो जो वॉरियर वाला माइंडसेट है, लड़ने वाला माइंडसेट है, वो नहीं आ पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, अकेले पढ़ना है। जब भी रीड करोगे तब, जब भी तुम एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे होगे या फिर तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ो, किसी और के साथ मत पढ़ो। किसी और के साथ केवल रिवीजन किया जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रिवीजन किया जाता है, पढ़ाई नहीं की जाती। तो याद रखो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में वॉरियर वाला माइंडसेट चाहिए तो अकेले पढ़ो, हमेशा अकेले पढ़ना है। और जब तुम्हें अकेले पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो तुम्हारी रीडिंग स्पीड है ना वो बढ़ने लगेगी। कुछ टाइम में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तुम्हारी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ने लगेगी और वो वाला फोकस आ जाएगा जो कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे मिल रहा होता है, वो वाला फोकस तुम्हारी डेली स्टडीज के अंदर भी आ जाएगा। चलो अगली टेक्निक के ऊपर बढ़ते हैं। अगली टेक्निक है नोटबुक टेक्निक। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत बार बता चुका हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इमेजिन करो ये नोटबुक है, ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है, इसमें तुमने अपने नोट्स बना रखे हैं या फिर एनसीईआरटी की किताब है। इमेजिन कर लो अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो ये एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है। अब करना क्या है तुमको, जब भी तुम रीड कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बेड पे पड़े पड़े ऐसे ऐसे रीड करते रहेंगे, सबसे घटिया तरीका है। तुम्हें क्या करना है, एक टेबल पे बैठो, अपनी एनसीईआरटी को नीचे रखो और साइड में एक रफ नोटबुक रखो, साइड में एक रफ नोटबुक रखो। याद रखना ये रफ नोटबुक है, फेयर नोटबुक नहीं है। अब करना क्या है, जैसे जैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अपने हाथ में एक पेन रखो और एनसीईआरटी को रीड करते रहो, साइड साइड में कुछ भी लिखते रहो। कुछ भी मतलब भैया क्या लिखे, क्रश का नाम लिख दे क्या, अरे नहीं वो सब नहीं लिखना है। लिखना क्या है, जब तुम्हें पढ़ रहे होगे उस टाइम पर तुम्हें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लग रही होंगी वो तुम यहां लिखते रहो, इसको बाद में नहीं पढ़ना, ये केवल रफ के लिए है। बट इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, एक तो तुम्हें नींद नहीं आएगी और जब नींद नहीं आएगी तो फोकस बना रहेगा और जब फोकस बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ने लगेगी। तो ये सारा ना तुम्हारे 7 डे चैलेंज के अंदर इंक्लूड कर रखा है मैंने, तो याद रखना 7 दिन तक हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ये भी फॉलो करना है, तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो एक साइड में रफ नोटबुक रखो और उसके अंदर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, उससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आएगी ऑटोमेटिकली रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, लर्निंग स्पीड बढ़ेगी। याद रखो इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज सभी बच्चों को ये कमेंट करके जाना है कि भैया मैं इस 7 दिन के चैलेंज को फॉलो करने वाला हूं, कमेंट के अंदर भर दो। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी चीज को लिख देते हैं ना कहीं पर तो हमारे बैक ऑफ द माइंड के अंदर याद रहता है कि मैंने प्रशांत भैया की वीडियो में लिखा तो था कि भैया मैं 7 डे का चैलेंज फॉलो करूंगा, तो तुम्हें बार बार वो चीज याद आती रहेगी कि हाँ 7 दिन का चैलेंज फॉलो करना है, 7 दिन का चैलेंज फॉलो करना है, तो जल्दी से लिख दो। अब एक लास्ट टेक्निक देता हूं, एक लास्ट टिप देता हूं तुम्हें। लास्ट टिप ये बोलती है, जब भी तुम पढ़ रहे हो ना केवल पढ़ो मत, विजुलाइज करो। क्या बोल रहे हो भैया, समझाओ, समझते हैं। देखो जैसे कि तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, 10th का एक चैप्टर ले लेते हैं, क्योंकि 10th तो सबने पढ़ी होगी जो 11th 12th के अंदर होंगे, जो कि बड़ी क्लास के अंदर होंगे, और 10th वालों ने तो 10th पढ़ी ली होगी। 9th वालों के लिए एग्जांपल नहीं है, बट इमेजिन करो एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है, 10th का अपना पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। तो उस चैप्टर के अंदर इमेजिन करो तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम कुछ रीड कर रहे हो। जैसे तुमने पहली लाइन पढ़ी कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, उसके बाद तुमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भैया ये होता है, तुम पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, बट केवल तुम्हें रीडिंग नहीं करनी है, तुम्हें अपने दिमाग के अंदर चीजों को सेट करते रहना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है, खुद से उन सारी चीजों को हिंदी में बोलो। जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं ना तो क्या होता है ना, हम चीजों को इंटरप्ट नहीं कर पाते, हम चीजों को समझ नहीं पाते, इंग्लिश हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज नहीं है, हम बचपन से हिंदी में बात करते आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को हिंदी में कन्वर्ट करते रहना है अपने दिमाग के अंदर। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बात आई तो 1 मिनट का पॉज लो और खुद से सोचो कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये होता है। इससे क्या होगा, इससे वो जो चीज है ना जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी, और एक बार अगर वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया तो फिर नहीं भूलोगे भाई तुम उसको, हमेशा तुम्हारी मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा। तो ये थी हमारी सारी आज की टिप्स। अब एक 1-to-1, जैसे कि हमारा रिवाज है, एक 1-to-1 लास्ट में एक टिप देते हैं, थोड़ा सा नजदीक आओगे और मेरी बात ध्यान से समझोगे। देखो यार एक चीज मैं बोलता हूं, तुम सभी मेरे से सवाल पूछोगे कि भैया आपने सारी स्ट्रेटेजी दे दी, सारी टिप दे दी, बट इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि भैया सुनने में बहुत आसान लगता है सारी चीजें 7 दिन तक फॉलो कर लो, बट हो नहीं पाती। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, बट अगर तुझे इन चीजों को फॉलो करना है ना तो तुझे खुद को फोर्स करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं आऊंगा तेरे घर में तेरा हाथ पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, तुझे खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तेरे पेरेंट्स तुझे अच्छी कोचिंग में डाल सकते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा दे सकते हैं, मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेहनत तुझे करनी है। एक चीज याद रखना, हमेशा खुद को बीट करो। जैसे इमेजिन करो आज के टाइम पर एक बच्चा है जो कि रीडिंग स्पीड जिसकी बहुत कम है,
जैसे कि वो एक घंटे में केवल 10 पन्ने ही पढ़ पाता है, 10 पेज पढ़ पा रहा है, वो भी 1 आवर के अंदर। तो खुद को चैलेंज दो ना यार कि अगले दिन मैं एक घंटे के अंदर कम पेजेस पढ़ूंगा, मतलब ज्यादा पेजेस पढ़ूंगा, 12 पेजेस पढ़ूंगा, अब उसके बाद मैं 15 पेजेस पढ़ूंगा। तो खुद को चैलेंज दो, जब तुम खुद को बीट करने लगोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब ऐसे नहीं भागना है कि भैया एक घंटे के अंदर 50 पन्ने पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं करना है यार, ऐसे नहीं करना है। हमें हमारे लेवल से शुरू करना है और धीरे 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 लेवल बढ़ना। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद को बीट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली जब तुम खुद को बीट करने लगोगे ना ये चीजें इंप्रूव होंगी एंड तुम्हारी रीडिंग एंड लर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बस एक चीज याद रखना, आज कमेंट करना मत भूलना कि अगले 7 दिन तक भैया हम फॉलो करने वाले हैं इसको। अब चाहे कुछ हो जाए भैया करेंगे फॉलो, बोर्ड का एग्जाम आ रहे हैं, जेई का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है, अब करना पड़ेगा बेटा फॉलो, कोई और ऑप्शन नहीं है, लग जाओ। और आज से कमेंट करके जाना आई विल फॉलो दिस 7-day चैलेंज और करके दिखाओ, और ऑटोमेटिकली देखना तुम्हारी लर्निंग और रीडिंग स्पीड कैसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी होगी होगी। ऑन दिस नोट शुक्रिया, मेरा नाम है प्रशांत। अब एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कर सकते हो, नहीं करना मत करिए, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा मेरी पूरी टीम का एक मकसद है कि एजुकेशन के प्रति हम कुछ कर पाए, हमारा एक योगदान हो, हम यूथ को मोटिवेट कर पाए। तो अगर आप हमारे इस रेवोल्यूशन में जुड़ना चाहते हैं, बस एक अपने मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारी छोटी सी एक मदद हो पाए। सब्सक्राइब करो ना करो बट एक मित्र के साथ शेयर जरूर करना। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर।